व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। ये देखिए कितनी शानदार बात बोली गई है यहाँ पर। ना हारना जरूरी है, ना जीतना जरूरी है, ये जिंदगी एक खेल है, खेलना जरूरी है। अगर आप जिंदगी को एक बार खेलना स्टार्ट कर दोगे खेल की तरीके से, तो जिंदगी आपको बिल्कुल एक खेल के तरीके से ही लगेगी। मतलब कहने का ये है कि अगर आप लाइफ को इस तरीके से एंजॉय करना स्टार्ट कर देंगे कि आप लोग टेंशन करना बंद कर दीजिए कि हाँ क्या लाइफ में होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, बस जहां पर जी रहे हैं वहीं पर जीना स्टार्ट कर दीजिए। जिस तरीके से गेम में आप लोग खेलते हैं, अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो जो इस बॉल आ रही है बस उस बॉल पर फोकस दीजिए कि इस बॉल का मुझे क्या करना है। इसी तरीके से फुटबॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, कोई भी गेम आप लोग खेल रहे हैं, आप लोग उस मूवमेंट पर अगर फोकस दे पाते हैं तो वो गेम आप शानदार तरीके से खेलते हैं। पर लेकिन अगर आप लोग सोचेंगे ये गेम खेल रहे हैं अभी और सोच रहे हैं अगले आने वाले गेम के बारे में, तो आप लोगों का उस गेम में कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ इसी तरीके से हमारी जिंदगी है। जिस जिंदगी को आप लोग जिस टाइम जिस मूवमेंट पर जी रहे हैं, अगर उस लाइफ को उस टाइम पर उस मूवमेंट पर आप लोग जी पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे, तो आपकी लाइफ बड़ी ही शानदार होने वाली है। और अगर आप लोग आगे आने वाली क्या प्रॉब्लम है उनको देखकर परेशान रहेंगे और लाइफ में पास्ट में मेरे साथ क्या हो गया है उसको देखकर फ्रस्ट्रेट रहेंगे, तो फिर लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है। तो कोशिश क्या करनी है, हमेशा एंजॉय करना है जिस मूवमेंट पे हो उस मूवमेंट को। ओके, आज 10th मार्च है, देख लेते हैं। नैनो मैगजीन के तहत पीआईबी देखेंगे, योजना देखेंगे, ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज देखेंगे, इसके साथ में कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट्स और कुछ क्वेश्चंस, और कुछ आज के आप लोगों को नए क्वेश्चंस मिलेंगे और पुराने क्वेश्चंस के आप लोगों के सामने आंसर होंगे। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं हम लोग पीआईबी और ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज, इसमें क्या क्या है, उसके बाद में हम लोग फिर आगे योजना वगैरह देखेंगे। आप लोगों को पता है सभी को 8th मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसी के इर्द गिर्द आप लोगों यहाँ पर एक नया कंपेन गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया, इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। यहाँ पे यस आई ब्लीड कंपेन, मतलब आप लोग देखते हैं नॉर्मली जो गर्ल्स होती हैं या वुमेन होती हैं उनको पीरियड्स होते हैं, तो पीरियड्स के दौरान में बहुत सारा ब्लड निकलता है, पर लेकिन हमारी सोसाइटी में उसको बहुत ही गलत नजरिए से देखा जाता है। क्योंकि देखिए अगर नॉर्मली उसको देखेंगे तो उसी की वजह से हर एक इंसान का जन्म होता है, तो उसको देखने का नजरिया चेंज करने के लिए गवर्नमेंट ने एक कंपेन चलाया गया है। खासकर वुमेन के बारे में अगर कोई बात आती है तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, पूछ लिया जाएगा आप लोगों से यस आई ब्लीड कंपेन किससे रिलेटेड है, तो ये आप लोगों को थोड़ा इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इस तरीके से जो पीरियड्स वगैरह होते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो हाइजीन वगैरह होते हैं, जो ब्लड्स वगैरह इस तरीके से निकलता है, तो उसको गलत तरीके से न देखा जाए, उसको इस तरीके से देखा जाए ताकि वुमेन की हेल्थ पर कोई इंपैक्ट ना पड़े। और ये इंडिया में नहीं, यूएन के द्वारा भी इसको सपोर्ट किया जाता है इस तरीके कंपेन को। तो एम क्या है इसका, एम यही है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो मासिक धर्म होता है या फिर जिसको पीरियड्स बोला जाता है, उसके दौरान में सफाई रखना। हमारी कंट्री में अगर आप लोग देखेंगे नॉर्मली तो ओनली 12% जो वुमेन है वो ऐसी है जो आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा पैड्स वगैरह या नेपकिन वगैरह ये ढंग के कपड़े यूज करती है, वरना गंदे कपड़े यूज किए जाते हैं। और आप लोगों को मूवी भी देखने को मिली होगी जो अक्षय कुमार जी की अभी मूवी आई थी पैडमैन, उसमें भी यही बातें बताई गई थी कि बहुत सारी वुमेन ऐसी हैं हमारी कंट्री में इसी की वजह से इन्फेक्शन होता है जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, और इन्फेक्शन की वजह से बहुत सारी जो वुमेन होती है उनकी डेथ हो जाती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए, देखिए ज्यादा से ज्यादा कि यहाँ पर कपड़ा जो गंदा कपड़ा होता है उन सबको यूज ना करके यहाँ पर एक अच्छी जो स्वच्छ नेपकिन पैड होती है उनको यूज किया जाए, तो उससे जो वुमेन की हेल्थ उसके वुमेन की हेल्थ है बहुत अच्छी होगी, और काफी अच्छे से आने वाले टाइम में इससे काफी जो गर्ल्स होती है या वुमेन्स होती है जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है इसकी वजह से, तो उनको बचाया जा सकता है। पर लेकिन कब पॉसिबल है ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग इसके बारे में कंपेन करें, हम लोग इसको चीजों को बताएं, शरमाए नहीं, लोगों को डिस्कस करें। क्योंकि स्टार्टिंग में जब गर्ल्स को ये चीजें होनी स्टार्ट होती है तो कई बार गर्ल्स डर जाती है, लड़कियां डर जाती है, तो उनको डरना नहीं, उनको पहले से बता के रखना है कि ऐसा ऐसा एज के साथ में चीजें होती है, और जैसे जैसे एज बढ़ेगी इनसे आप लोगों को डरना नहीं है और ना ही शरमाना है, ठीक है। आप लोगों ने पैड में उन मूवी देखी होगी, उसमें किस तरीके से बताया जाता है कि टेस्ट मैच स्टार्ट हो गया है, तो वो गलत बात है, उस तरीके से चीजों को नहीं देखना चाहिए। घर के बाहर जो वुमेन होती है उसको लेटा दिया जाता है, उसमें मूवी में दिखा रखी थी चीजें, तो वो सारी चीजों से दूर रहना है, ठीक है। ये अच्छी चीज होती है, इससे इंसान पैदा होता है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो किस तरीके से यहां पर इसको साफ रखना है और किस तरीके से कोई बीमारी से दूर रहना है, उन सब के बारे में ये कंपेन आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। इसको देख सकते हैं आप लोग, यहां पर भी इसके बारे में कई सारी बातें बताई गई है, किस तरीके से साफ सुथरा रखना है, किस तरीके से चीजों को मेंटेन रखना है, सेफली डिस्पोज करना है, जो नैपकिन वगैरह ये सब चीजें होती है, तो अच्छे से यहां पर फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है वुमेन के लिए। तो एम यही है कि एक एजुकेट किया जाए वुमेन को, और इसके बारे में जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन होता है मतलब साफ सफाई रखी जाए वहां पर, वो बहुत बड़ी बात होती है। ओके, तो कैंपेन को याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में, तो थोड़ा इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हमारी कंट्री में आया 2005 में,
2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया, उसी के बेस पर आप लोगों को देखने को मिलेगा सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन भी स्टैब्लिश किया गया कि ताकि जो कोई लोग कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो उसको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा सके, केंद्रीय सूचना आयोग इसको बोला जाता है। तो इसी के भवन का यहाँ पर निर्माण किया गया, अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा दिल्ली में, तो उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए। ये बिल्कुल एक ग्रीन बिल्डिंग यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, सब कुछ यहाँ पर सोलर पैनल की तरीके से चलाया जाएगा उसके बेस पर। और इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए कि जब भी यहाँ पर कोई भी केस आता है तो उन सबकी सुनवाई भी यहाँ पर आराम से की जाएगी। तो ये आप लोगों को थोड़ी बातें इसके बारे में पता होना चाहिए। जो इसका गठन किया गया था अक्टूबर 12, 2005 में इसका गठन किया गया था। आज की डेट में ये बताइएगा जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन कौन है उसके बारे में आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। फर्स्ट चीफ इन्फॉर्मेशन जो कमीशन हुआ करते थे वो हुए करते थे वजाहत हबीबुल्ला। तो इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। ओके, तो ये कुछ बातें थी, बाकी हम लोग पॉलिटी में इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग कंप्लीट लेक्चर इसके बारे में चाहते हैं डिटेल में तो आप लोग पॉलिटी के लेक्चर जाकर देख सकते हैं। पॉलिटी के सारे लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए अब आगे चलते हैं। और हाँ, इनॉग्रेट किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ये जरूर याद रखिएगा। एक कई बार इस तरह की क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं। ये भी काफी अच्छी न्यूज है, आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी कंट्री में लगभग 20% जो चाइल्ड मैरिज हुआ करती थी उनमें डिक्रीज हो गया है। मतलब अब हमारी कंट्री में जो चाइल्ड मैरिज नहीं होती है काफी हद तक कम हो गई है जो पहले के कंपेयर में। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, हम अपनी कंट्री खुद बढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ये बात बोली जा रही है यूनिसेफ के द्वारा, जिसकी फुल फॉर्म है यहाँ पर यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। और आप लोगों को देखने को मिलेगा इसका जो गठन किया गया था वो किया गया था 1946 में, और इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा न्यूयॉर्क में। कुछ बातें आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। ओके, तो एक तरीका फंड आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है खासकर इंपावर करने के लिए वुमेन को या फिर चिल्ड्रन की देखरेख करने के लिए, खासकर जब वर्ल्ड वार सेकंड खत्म हुई थी उस टाइम के बाद में आप लोगों को देखने को मिला बहुत सारी जो जान मान की हानि हुई उसके बाद में यहाँ पर देखा गया किस तरीके से वुमेन को और बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। तो तब जाकर यहाँ पर इनसे ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका गठन किया गया और तब से लेकर ये यहाँ पर हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर, ये है नो इंडिया प्रोग्राम, इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को होना चाहिए। बात की जा रही है इसके बारे में, शॉर्ट फॉर्म में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि KIP क्या है। तो KIP में आप लोगों से पूछ लेगा आई क्या है, यहाँ पर आई इंडिया हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। ये 46th एडिशन है यहाँ पर नो इंडिया प्रोग्राम का। इसके तहत होता क्या है, जो इंडियन ओरिजिन स्टूडेंट है मतलब हमारी कंट्री में जो पहले रहा करते थे और आज की डेट में फॉरन में रहते हैं तो उनको इंडिया के बारे में बताया जाता है यहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए उनके दादा बाबा या पेरेंट्स फॉरन में जाकर रहने लगे तो उनको इंडिया के बारे में समझाना है कि इंडिया कल्चर क्या है, इंडिया किस तरह की कंट्री है, तो इंडिया से फैमिलियर कराना है उसको। इस जो एडिशन है ये 46 जो 40वां एडिशन है इस बार के इसमें प्रोग्राम में यहाँ पर जो पार्टनर स्टेट है वो मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा आप लोग याद रखिएगा, मध्य प्रदेश पार्टनर स्टेट है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट बात की जा रही है ये किसके द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, किसके द्वारा ये करा जाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कितनी एज के बीच का यहाँ पर पर्सन इसके लिए अलाउ है, एलिजिबल है। तो ये 18 से 30 की बीच के एज के बीच का होना चाहिए। क्या क्या बताया जाएगा, इंडिया की कल्चर क्या है, आर्ट्स क्या है, फैमिलियर कराया जाएगा यहाँ पर चीजों के बारे में, कंटेम्प्रेरी इश्यूज के बारे में, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है इसके लिए, कम से कम आप एक तो सबसे पहले यही होगी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए इंसान, ठीक है। और उसको प्रिफ्रेंस दिया जाएगा यहाँ पर जिसने पहले कभी हमारी कंट्री में मतलब उसकी खुद की कंट्री में जो कि यहाँ का ओरिजिन का है उस पर्सन ने कभी इंडिया में विजिट नहीं किया हो। मतलब अगर मान लीजिए आज की डेट में कोई इंसान यूएसए में रह रहा है और वो आज तक इंडिया में नहीं आया है, उसके पेरेंट्स या दादा बाबा कोई जाकर वहां पर बस गए और वो तब से वहीं पर रह रहा है, उसको इंडिया के बारे में बताना है तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। और 9 कंट्री के लिए एप्लीकेबल है। तो कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, ये बन सकता है कि यहाँ से पहले ही पूछा सकता है कितनी कंट्री के लिए एप्लीकेबल है, कौन सा एडिशन है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है, कितने यहाँ पर ओरिजन, कितने यहाँ पर यूथ इसके बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा, किस चीज के लिए प्रोग्राम है, कौन इसको इंप्लीमेंट कर रहा है, तो ये सारी बातें आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो थोड़ा फोकस दीजिएगा, आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये, आज की डेट में आप लोग कहीं पर भी नेशनल हाईवे पे हैं तो आप लोग इस नंबर को याद रख सकते हैं 1033, और सबको ये शेयर भी कीजिएगा। आखिर ये है क्या, आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा ये एक टोल फ्री नंबर है जो हाईवे पर जो हाईवे पर आज के डेट में यात्रा करते हैं उनके लिए, खासकर नेशनल हाईवे के लिए, ठीक है। तो होगा क्या, ये नंबर होगा यहाँ पर आप लोगों को सामने प्रोफेशनल मिलेगा। अगर किसी को यहाँ पर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम दिख रही है, कोई रोड पर पेड़ पड़ा हुआ है, किसी ने धरना दे रखा है, फ्लैट टायर हो गया है, या कोई बैड रोड कंडीशन है यहाँ पर, कोई भी अनफॉर्चुनेट कंडीशन बन गई है, कोई इंसान का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, तो उस टाइम में देखिए एक गोल्डन आवर बोला जाता है, एक घंटे का टाइम जिसमें एक एक्सीडेंट होता है,
अगर उस टाइम पर किसी इंसान को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाता है तो उसकी लाइफ बच जाती है, तो उसको गोल्डन आर बोला जाता है। तो उस एक गोल्डन आर के अंदर अंदर, मतलब उस एक कीमती घंटे के अंदर अंदर अगर किसी की जान बचानी है तो बच सकती है। तो उसी के लिए यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी 24/7, 24 घंटे अवेलेबल होगा ये हाईवे पे नंबर 1033। अगर आप लोग कॉल करते हैं तो आप लोग यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसका थोड़ा आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं, किसके रिलेटेड है, नंबर दे देंगे आप लोगों से पूछ लेगा किसके द्वारा है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जो आप लोगों को देखने को मिलेगा NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर ये पिक्चर में आ जाती है, ठीक है। तो नितिन गडकरी जी आज के डेट में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मिनिस्टर हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में याद रखिए, क्वेश्चन भी बन सकता है और क्वेश्चन अपनी जगह है। दूसरी बात यह लाइफ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए इसको जरूर याद रखिएगा। बात की जा रही है विंग्स इंडिया 2018, पूछ लेंगे ये है क्या, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये एक तरीके का एक कंपेन बोल सकते हैं या फिर एक तरीका इवेंट आप लोग इसको बोल सकते हैं, जो कि ऑर्गेनाइज कराया गया हैदराबाद में। किसके द्वारा, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तीन पार्ट यहां पर नजर आएंगे आप लोगों के सामने, यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री नंबर 1, नंबर 2 है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और नंबर 3 है यहां पर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये तीन यहां पर पार्टिसिपेंट है जो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा पिक्चर में नजर आएंगे। थीम क्या है यहां पर, इंडिया ग्लोबल एविएशन हब। आखिर काम क्या है अब इसका, वो देख लीजिए। काम ये है जिस तरीके से आज के डेट में आप लोग देख सकते हैं उड़े देश का आम नागरिक स्कीम स्टार्ट की गई, तो लोकल कनेक्टिविटी बनाने के लिए, मतलब लोकल एरिया में भी यहां पर हवाई जहाज की यात्रा प्रोवाइड कराई जा सके और जो लोकल आदमी है वो भी हवाई जहाज में बैठ सके, ऐसी कनेक्टिविटी बनाने की बात की जा रही है। तो सिटीज को अच्छे से कनेक्ट किया जा सके, अपने आसपास की सिटी है, शहर है, या फिर जो राज्य है उनको अच्छे से कनेक्ट किया जा सके, उसके लिए यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जा रहा है। इंटरेक्शन कर सकते हैं इंडियन भी, फॉरेन भी, यहां पर इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से एयर कनेक्टिविटी बनाई जाएगी। तो एम है ज्यादा से ज्यादा रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, तो उस पर फोकस यहां पर किया जाएगा। तो विंग्स इंडिया 2018 के बारे में थोड़ा आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन यहां पर है और इसकी थीम क्या है और इसका एम क्या है, तो तीन क्वेश्चन आराम से यहां से आप लोगों के लिए निकल सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए हो सकता है। बात की जा रही है 2018 के पृथ्कर प्राइज के बारे में, यह दिया गया है बालकृष्ण दोषी जी को, यहां पर नाम याद रखिएगा, और यह फर्स्ट इंडियन है जिनको यह प्राइज मिला है। आखिर यह प्राइज है क्या, ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरीके से आप लोग नोबेल प्राइज दिए जाते हैं अलग अलग फील्ड में, ये आर्किटेक्चर के जो फील्ड में प्राइज दिया जाता है, तो आर्किटेक्चर के फील्ड में आप लोगों को ये नोबेल प्राइज इसका आप लोग बोल सकते हैं, उससे इसको कंपेयर आप लोग कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई हैं, आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा हंड्रेड्स बिल्डिंग्स इनके द्वारा बनाई गई हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी वो आप लोगों को देखने को मिलेगी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर, उसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा याद रखिएगा, इनके द्वारा बनाई गई है और इनको ऑलरेडी आप लोगों को देखने को मिलेगा पद्मश्री मिल चुका था, तो अब इनको ये प्राइज दिया गया और ये फर्स्ट इंडियन है जिनको ये प्राइज मिला है, ठीक है। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर फर्स्ट टाइम कोई काम होता है तो देखिए वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, पहले अगर कोई ऑलरेडी हो चुका है तो फिर इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, पर फर्स्ट टाइम अगर कुछ होता है तो उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए, ओके। जो ये फर्स्ट अवार्ड ये दिया गया था 1979 में, मतलब 1979 से ये अवार्ड स्टार्ट किया गया था, तो अवार्ड के बारे में भी थोड़ा आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। शिकागो में आप लोगों को देखने को मिलेगा फाउंडेशन यहाँ पर इसका स्टार्ट किया गया था, जो दिया जाता है ये आर्किटेक्चर का नोबेल माना जाता है, जिस तरीके से अलग अलग फील्ड में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में आप लोगों को देखने को मिलता है, उसी तरीके से इसको यहाँ पर नोबेल प्राइज माना जाता है। $1,00,000 का US प्राइज यहाँ पर दिया जाता है और एक ब्रॉन्ज मेडल भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि इंडियन को मिला है, फर्स्ट इंडियन है ये, तो इसलिए इंपॉर्टेंट थोड़ा हो जाता है। आइए आगे चलते हैं, बात की जा रही है नारी शक्ति पुरस्कार के बारे में, खासकर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा इसके बारे में पता होना चाहिए, ये देखने को मिलेगा 30 वुमेन को यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है, जो दिया गया है तो आपकी बात की जाए 2017 की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और कब दिया जाता है ये ईव ऑफ द इंटरनेशनल वुमेन डे पर, मतलब जो 8 मार्च होता है उसकी ईव पर इसको दिया जाता है नारी शक्ति पुरस्कार, याद रखिएगा। और खासकर जब इस तरह के पुरस्कार होते हैं तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जो इनिशिएट किया गया था ये 1999 में इनिशिएट किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा ये दिया जाता है, खासकर मिनिस्ट्री के नाम कई बार पूछे जाते हैं। अवार्ड का प्राइज मनी कितना है यहाँ पर, 1,00,000 दिए जाते हैं, और इसके अलावा सर्टिफिकेट भी इंडिविजुअल को दिया जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं, इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन दोनों को दिया जाता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि इंडिविजुअल को प्राइज दिया जाता है इंस्टीट्यूशन को, तो दोनों को मिलता है, तो कुछ नॉलेज आप लोगों को इसके बारे में होनी चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं, देखिए हमारी कंट्री में दो एरिया आप लोगों को नजर आएंगे, एक तो बोला जाता है इंडिया और दूसरा बोला जाता है भारत, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, इंडिया जो थोड़ा मॉडर्न माना जाता है और जो भारत है उसको थोड़ा गरीब माना जाता है, मतलब खासकर जो गांव में या फिर जो पिछड़ा हुआ एरिया है हमारी कंट्री का उसको भारत बोलते हैं और दूसरे वाले एरिया को इंडिया बोलते हैं, तो दोनों में डिफरेंस नजर आता है आप लोगों के सामने। तो ऐसे 115 डिस्ट्रिक्ट यहां पर छांटे गए हैं जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है और उनको एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी बोला गया है। तो ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो है इन पर काम किया जाएगा, इनको सुधारा जाएगा, जिस जिस एरिया में यहां पर वर्क करना है उन एरिया में वर्क किया जाएगा
और जल्दी से इन एरिया को डेवलप किया जाएगा। आने वाले टाइम में आप लोगों को देखने को मिलेगा रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर किया जाएगा। खासकर 75 ईयर जो इंडिपेंडेंट हमारे होंगे, जो 75वीं सालगिरह होगी, उस तक बात की जा रही है हमको अपनी कंट्री को एक सही सिचुएशन में, सही पोजिशन में और सही कंडीशन में ले जाकर रखना है। तो इसीलिए यहाँ पर यह काम किया जा रहा है कि जो भी पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट है उनके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लेकर ऊपर से लेकर पंचायत लेवल तक सबको यहाँ पर तलब किया जा रहा है और किस तरीके से वर्क कर सकते हैं, 5 साल की स्ट्रेटजी बनाई जा रही है किस तरीके से इन डिस्ट्रिक्ट को हम लोग अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं। तो उन सब एरिया पे फोकस देकर चला जा रहा है। तो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है कि कोई बहुत हाई फाइव डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट है, तो इनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। टर्म भी कई बार पूछ ली जाती है कि आखिर में ये है क्या, ठीक है। तो पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट है हमारी कंट्री के जिनको हम लोग को इंप्रूव करना है और आने वाले टाइम में एक सिचुएशन सुधारनी है इन एरिया में भी। रिवीजन का लेक्चर है आज आप लोगों को यहाँ पर 86th लेक्चर जाकर रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के बारे में बताया गया था। यहाँ पर पॉलिटिकल लेक्चर है, शाम को हमारी पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं हम लोग, 5 बजे आप लोगों को लेक्चर मिलता है, तो लेक्चर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जाकर। सारे लिंक आप लोगों को वीडियो के जस्ट नीचे मिल जाएंगे। इसके अलावा देखते हैं योजना में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया। योजना का नेक्स्ट वाला आर्टिकल है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है और कई बार इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं। योजना में देख लेंगे हम लोग यहाँ पर जीएसटी के बारे में। जीएसटी हमारे यहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया 1 जुलाई को, ठीक है, 1 जुलाई 2017 में इंप्लीमेंट किया गया। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, तो 101st ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, मतलब 101वां संविधान में संशोधन किया गया था। नंबर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सेकंड ये था 122वां अमेंडमेंट बिल था। आखिर 122वां अमेंडमेंट बिल कैसे था और अमेंडमेंट 101वां था। देखिए बहुत सारे बिल ऐसे होते हैं जो पास नहीं हो पाते हैं या फिर पास होकर भी रद्द कर दिया जाता है, तो वो काउंट नहीं हो रहे यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे यहाँ पर 101वां यहाँ पर 101st अमेंडमेंट था ये और 122वां यहाँ पर बिल था। तो दोनों ही पूछे जा सकते हैं। किया क्या जा रहा है, एक टेक्स्ट पूरी कंट्री में इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। इंडियन टैक्सेशन सिस्टम बिल्कुल उस नॉर्म्स पे जिस तरीके से यूएसए या यूरोप में इंप्लीमेंट करते हैं, हमारी कंट्री में भी इंप्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे जो मास कंजप्शन जो आइटम है यहाँ पर आप लोग देखते हैं, दाल दूध वगैरह जो ये छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब जो मास कंजप्शन जिसको बहुत लार्ज स्केल पर हर एक इंसान कंज्यूम करता है, वो तो चीपर हो गए। और इसके अलावा जो आप लोगों को देखने को मिलेगा लग्जरी आइटम्स, बड़ी बड़ी कार हो गई, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी जो लग्जरी आइटम है, घड़ी हो गई, रोलेक्स वगैरह, या बड़ी बड़ी कार हो गई, कुछ भी ऐसा जो आलीशान जो सामान है जो कि जो अमीर आदमी यूज करते हैं, वो महंगा हो गया। मतलब जो पे कर सकता है उससे ज्यादा से ज्यादा टैक्स लिया जाएगा और जो पे नहीं कर सकता है, कम पे कर पाता है, उससे कम टैक्स लिया जाएगा, कहने का मतलब आप लोगों को ये देखने को मिलेगा यहां पर। इसके अलावा जीएसटी जो जीएसटी आप लोगों को देखने को मिलेगा सेल पे, परचेज पे, बार्टर सिस्टम पे, लीज पे या फिर इंपोर्ट पे, गुड्स और सर्विसेज पे, सब पे देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इसको यहां पर कुछ पॉइंट ऐसे यहां पर छोड़ दिए गए हैं, तो किसी भी तरीके सर्विसेज पर आप लोगों को जीएसटी नजर आएगा। नाम से आप लोग देखते हैं, गुड्स पर भी नजर आएगा और सर्विसेज पर भी नजर आएगा। तो गुड्स जो सामान है कुछ भी आप लोग खरीद रहे हैं उन पर नजर आएगा, या सर्विसेज कोई भी प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर नजर आएगा। यह आप लोगों को यहां पर जीएसटी नेटवर्क के तहत भी हम लोगों को देखने को मिला था। जीएसटी नेटवर्क के बारे में आप लोगों को टोटल डिटेल में डिस्कस की थी, थोड़ा सा रिविजन कर लीजिए। बताइए जीएसटी नेटवर्क में गवर्नमेंट का कितना पार्ट है यहां पर, सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना है और स्टेट गवर्नमेंट का कितना है, क्या ये 50% से कम है या 25% से ज्यादा है, तो दोनों आप लोगों को बताना है। मतलब 50% से कम है या 50% से ज्यादा है जो गवर्नमेंट का पार्ट है इसमें। एंटी प्रॉफिटेरिंग यहां पर मेजर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, किस तरीके से जो ऊपर से प्रॉफिट है उसको नीचे तक पहुंचाना है, यह कॉन्सेप्ट भी आप लोग याद रख सकते हैं। डायरेक्ट वर्ड देकर आप लोगों से पूछ लेगा यह बवाल क्या है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। जब जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया तो काफी हद तक यहाँ पर कुछ चीजों के प्राइस काफी डाउन हो गए, पर लेकिन जो दुकानदार थे वो उसको उसी रेट पर बेचते रहे और उन्होंने यहाँ पर इसको गरीब जनता तक या नॉर्मल जनता तक या ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचाया, तो उसके लिए यहाँ पर फोकस दिया गया कि वो उसको नीचे तक पहुंचा सके। तो उसके लिए यहाँ पर एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी आई, जो कि इसको देखने के लिए कि अगर इस तरीके का कोई यहाँ पर प्रॉफिट नीचे तक नहीं पहुंचाया जा रहा है तो उसको दंडित किया जाए, तो उसके लिए यहाँ पर ये पिक्चर में आई। इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन जरूर रखिएगा। तो वन टैक्स के मल्टीपल बेनिफिट आप लोगों को यहां पर नजर आएंगे। एक तो न्यू इकोनॉमी यहां पर नजर आएगी, एक नया टैक्स नजर आया जब से हमारी कंट्री आजाद हुई है तब से लेके अब तक। फ्री फ्लो ऑफ द गुड्स होगा, एक स्टेट से किसी स्टेट में आसानी से जा सकते हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि चुंगी पर खड़े हुए सब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर और भीड़ लगी हुई है। कंज्यूमर जो होगा उनका बेनिफिट यहां पर दिया जाएगा ज्यादा से ज्यादा और एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा। ऑल ओवर नेशनल में आप लोगों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड नजर आएगा, ये नहीं कि कहीं पर प्राइस बहुत ज्यादा और कहीं पर प्राइस बहुत कम है। और एक नेशनल हुड भी यहां पर देखने को मिलेगा आप लोगों को, मतलब नेशनल हुड देखने को मिलेगा, हमारी कंट्री में यूनिटी आएगी क्योंकि वन टैक्स है, वन स्ट्रक्चर है और पूरी कंट्री में एक तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जाना है। नेक्स्ट यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया है ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को किस तरीके से बढ़ावा देता है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब संघवाद का ढांचा, स्टेट्स को साथ में लेकर किस तरीके से चल रहा है, तो ये सारी बातें यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये मेन पिक्चर देखेंगे तो समझ जाएंगे। जीएसटी काउंसिल आप लोगों के सामने है, चेयरमैन पूछ सकते हैं आप लोगों से कौन है, यहां पर होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर जो कि आज के डेट में अरुण जेटली जी हैं। इसके अलावा अगर यहां पर मीटिंग करनी है तो मिनिमम कोरम आप लोगों से पूछा जा सकता है, 50% मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए तभी मीटिंग हो पाएगी। और 2/3 यहां पर जो पावर दी गई है वो स्टेट्स को दी गई है,
और जो यहाँ पर 1/3 जो वोटिंग पावर है वो यहाँ पर जो सेंटर से उसको दी गई है। तो इसका मतलब ज्यादा पावर किसके हाथ में है, ज्यादा पावर यहाँ पर स्टेट के हाथ में, तो कहीं ना कहीं स्टेट को साथ में लेकर चला जा रहा है, इसलिए फेडरलिज्म का यहाँ पर ढांचा आप लोगों के सामने नजर आएगा। तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जीएसटी फेडरलिज्म को बढ़ावा दे रहा है, जी हाँ बिल्कुल दे रहा है। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा जो भी डिसीजन यहाँ पर पास होना है वो 3/4 मेंबर की मेजोरिटी से यहाँ पर पास किया जाएगा। तो सीधा सीधा मतलब क्या हो गया, 3/4 मेंबर तभी हो पाएंगे जब यहाँ पर सारे स्टेट सपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं स्टेट को बढ़ाने की बात की जा रही है, फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है। अगर स्टेट किसी के लिए राजी है तो वही काम हो पाएगा, वरना कोई काम नहीं होगा, उसको वहीं पर रोक दिया जाएगा। ओके, अब यहां पर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, जीएसटी बिल कौन सा ऑफिशियली ये बिल बुलाया जाता है, इसके बारे में आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, बताइएगा। सेकंड, यहाँ पर जीएसटी किस किस के ऊपर छोड़ा जा सकता है, लगाया जा सकता है, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये है उद्यम शक्ति पोर्टल वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए, इसके बारे में आप लोगों को बताना है किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आप लोगों के सामने यहाँ पर क्वेश्चन है, जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर है, तो गवर्नमेंट के द्वारा आप लोगों 2018 में इंडियन वुमेन डे के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगा प्लेटफॉर्म यहाँ पर लॉन्च किया गया, उसका पता होना चाहिए। तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, तो इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आप लोगों के सामने यहाँ पर जो यहाँ पर इंटरनेशनल वुमेन डे था, इसकी थीम क्या थी, तो टाइम इज नाउ रूरल एंड द अर्बन एक्टिविटी ट्रांसफॉर्मिंग वुमेन, ये तो आप लोगों को एक थीम नजर आएगी। एक थीम और है यहाँ पर, वो है प्रेस फॉर प्रोग्रेस, वो कैंपेन थीम है, मतलब किस तरीके से हम लोगों को कैंपेन करना है, आगे बढ़ाना है वुमेन डे को, तो वो भी याद रखिएगा। ये है प्रेस फॉर प्रोग्रेस, ठीक है ना, प्रेस फॉर प्रोग्रेस भी आप लोग याद रख सकते हैं, यहाँ पर पी फॉर पीस को याद रखेगा। तो दोनों ही थीम आप लोगों के सामने है यहाँ पर, ये यहाँ पर आप लोगों को नॉर्मल थीम और वो कंपेन, किस तरीके से कंपेन करना है, प्रचार करना है। ओके, इसके अलावा मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर, ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लॉ एंड जस्टिस के फील्ड में कंफर्म किया गया है नारी शक्ति पुरस्कार, ये किसको कंफर्म किया गया है, तो गीता मित्तल जी है, इनका नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, आइए अब एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्या आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। हम लोगों ने देखा इंटरनेशनल वुमेन डे के बारे में, 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, इसी के साथ में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिला कि किस तरीके से यहाँ पर कैंपेन चलाया जा रहा है कि यस आई ब्लीड कैंपेन, इसके बारे में थोड़ा याद रखिएगा, क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट बन सकता है। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जाना कितने परसेंट हमारी कंट्री में डिक्लाइन हो गया है जो कि चाइल्ड मैरिज हुआ करता था, और इसके साथ में यूनिसेफ के बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने दी। नेक्स्ट आप लोगों ने जाना यहाँ पर नो इंडिया प्रोग्राम, जिसके तहत आप लोगों को देखने को मिलेगा 9 कंट्री के सिटीजन या 9 कंट्री के स्टूडेंट हमारी कंट्री में आएंगे जो कि जिनका ओरिजिन हमारी कंट्री में है। 46th एडिशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा स्टार्ट किया गया है, 18 से 30 साल के बच्चे यहाँ पर आ सकते हैं। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए और उस इंसान को प्रेफरेंस दिया जाएगा जो पहले यहाँ पर विजिट नहीं किया है। इसके अलावा हम लोगों ने जाना एक टोल फ्री नंबर जो कि है 1033 के बारे में याद रखेगा, अगर हाईवे पे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है, याद जरूर रखिएगा इसको, और किसी को बताइएगा भी जिसको जरूरत है, जो बहुत ज्यादा ट्रेवल करता है खासकर पर्सन को, ठीक है। विंग्स इंडिया 2018 याद रखिएगा, ये किसके द्वारा यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, ये यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और इसके द्वारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फेडरेशन इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडियन इंडस्ट्री, तो पूछा जा सकता है थीम क्या है, इंडिया ग्लोबल एविएशन वो एविएशन हब, और किस लिए है, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, जो एविएशन फील्ड है जो कि हमारा उड़ियन उद्योग है, जो उड़ियन हमारी इंडस्ट्री है उसमें फोकस करने के लिए। नेक्स्ट आप लोगों के सामने है यहां पर प्रिजगर प्राइज दिया गया है बाल कृष्ण जो दो, ये दोषी है, देखिए जोशी नहीं है, दोषी याद रखिएगा, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा याद रख सकते हैं आप लोग, और फर्स्ट इंडियन है जिनको दिया गया है प्राइज मनी, भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है, तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कई बार पूछ ली जाती है। नेक्स्ट नारी शक्ति पुरस्कार के बारे में हम लोगों ने जाना किस मिनिस्ट्री के द्वारा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट, तो क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ साथ यहां पर कवर हो जा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया ट्रांसफॉर्मिंग 1115 मतलब 115 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट जिनको एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट बोला जा रहा है, तो 75 जो इंडिपेंडेंट हमारा जो सेलिब्रेट करेंगे हम लोग 2022 तक, तब तक हमारी कंट्री को हम लोगों को एक सही डायरेक्शन और सही दिशा देनी है जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम हमारी कंट्री में न रहे और कोई भी अगर किसी भी एरिया में प्रॉब्लम है उसका हम यहां पर निवारण कर सकें। नेक्स्ट आप लोगों के सामने रिवीजन करना है आप लोगों को जाकर यहाँ पर यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, आप लोगों को थोड़ा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए क्या क्या सब्जेक्ट किस किस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पर जीएसटी के बारे में, कौन सा अमेंडमेंट था, कौन सा बिल था, किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, क्या क्या फायदा हो सकता है। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर जीएसटी काउंसिल के बारे में भी जानने को मिला, ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन थे जो आप लोगों को आंसर देने हैं, और ये आप लोगों के जो क्वेश्चन मैंने पूछे थे उनका आप लोगों के सामने आंसर है। कितने मार्क्स आप लोगों को मिले जरूर बताइएगा, और आप लोगों को अगर कोई और इंप्रूवमेंट चाहिए लेक्चर में वो भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, तो रिमोट आप लोगों के हाथ में, जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा किया जाएगा। लेक्चर पसंद है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद है तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्यों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अपना आसपास सफाई रखिए, पेड़ पौधों को और पानी को सेव कीजिए, और पॉलिथीन वगैरह कम से कम यूज कीजिए। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगर लेक्चर पसंद है तो चीजों को शेयर भी कर दिया कीजिए ताकि सबको फायदा हो जाए। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।